आजम खान पर आज संसद में बड़ा फैसला होगा, लेकिन सवाल उस सोच पर एक्शन का है जिसके दायरे में कई आजम खान आते हैं। बदजुबानी पर पहला अल्टीमेटम, माफी नहीं मांगी तो आजम पर होगा एक्शन। लोकतंत्र के मंदिर में महिला के खिलाफ बदजुबानी करने वाले आजम खान के खिलाफ अब एक्शन का वक्त आ गया है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो देश की निगाहें सदन पर टिकी होंगी। जैसा कि पहले से तय है, लोकसभा अध्यक्ष आजम खान को माफी मांगने के लिए कहेंगे, लेकिन आजम खान अगर अपने पुराने रुख पर अड़े रहे तो एक्शन तय है। मैंने कहा ना, मैंने हाउस में कहा, अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है तो हम इस्तीफा देते हैं। ये बात सिर्फ आजम की बदजुबानी या बार बार की जाने वाली बदजुबानी की नहीं है, बल्कि उस नियत की है जो न जाने कितने आजम खान के जहन में अंदर तक बसी हुई है। वो सोच जो महिलाओं को कमतर आती है, वो सोच जो महिलाओं के खिलाफ कुछ भी करने की आजादी चाहती है, साथ ही वो सोच भी जिसे महिला के अपमान पर भी माफी मांगने में शर्म महसूस होती है। सवाल इस सोच से आजादी का है। इस तरीके की बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और हमारे यहाँ जहाँ स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है, बेटी का दर्जा दिया जाता है, तो वहाँ पर माफी अगर वो कह रही हैं कि मांग लीजिए, तो इसमें भी कोई वो छोटे नहीं होंगे। सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ माफी मांगने भर से आजम खान की सोच बदल जाएगी? क्या माफी मांग लेने से ऐसी सोच के लोगों को सबक मिल जाएगा, या सच में ऐसी सोच को सबक सिखाने के लिए कड़े एक्शन की दरकार है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें आजम खान के बयान में महिलाओं का अपमान नहीं दिखता। भाई बहन मिलते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ। वो मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफी मांगिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि माफी काफी नहीं है। ये महिला का अपमान नहीं बल्कि अपराध है, और अपराध के लिए क्षमा नहीं सजा ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। रविंद्र, क्या माफी मांगेंगे आजम, क्या एक्शन होगा उन पर? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो सोच है, क्या उसके खिलाफ जो अब आवाज उठ रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ते हुए, क्या हम महिलाओं के सम्मान को लेकर और संसद में जो व्यवहार हुआ है उसे लेकर गंभीरता से सोचेंगे? देखिए विशाल, जाहिर तौर पर संसद में जिस तरह का, और खासकर चेयर को लेकर, एक महिला जो आसन पर बैठी हुई थी, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तो उसको लेकर जाहिर तौर पर सभी दलों के नेताओं ने, आपने देखा कि एक राय से उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही, और स्पीकर ने आज का समय दिया है कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उन्हें माफी मांगनी होगी। और माना जा रहा कि इसमें कोई सियासत तो है नहीं, उन्होंने एक गलती की है और जाहिर तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर माफी नहीं मांगते हैं तब जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी और माना जा रहा कि इस पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया जा सकता है अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। आपको याद होगा रामा देवी के खिलाफ किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था आजम खान ने, जिसके बाद संसद में काफी हंगामा हुआ था, उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं। सीडब्ल्यूसी को खत्म कर दोबारा चुनाव कराया जाए, ये शशि थरूर ने कहा है। चुनाव एक निश्चित समय के अंदर होना चाहिए, स्पष्टता की कमी पार्टी पर भारी पड़ रही है। कार्य समिति सहित पार्टी में सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव होना चाहिए। डिसॉल्व द वर्किंग कमिटी एंड कॉल फॉर इलेक्शंस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन विच मेनी कैंडिडेट्स मे चूज टू कम फॉरवर्ड ऑफ ऑल एजेस रीजन्स बैकग्राउंड्स एंड देन आस्क फॉर एग्जांपल आइदर द एआईसीसी व्हिच इज 1000 पीपल और द पीसीसी डेलीगेट्स द लार्जर ग्रुप व्हिच इज अबाउट 10,000 पीपल रफली to actually have an election.